विश्रामपुर का विकास कर पाएंगे राजन मेहता? राजन मेहता वो जमीनी कर्ज करता है, कर्ज करता जो जो व्यक्ति अगर खलासी से ड्राइवर होता है और पकिया होता है, बिगड़ी हुई गाड़ी को रास्ते में भी बनाकर चलता है। पूर्व विधायक के मतलब कार्यकाल से आप लोग खुश है कि नहीं है? पूर्व विधायक से हम क्या? अच्छा, बहुत सारे मतलब प्रत्याशी लोग अपने जाति का वोट गिनवा रहे हैं, तो क्या अभी जातिवाद से सपोर्ट करते हैं? नहीं, जातिवाद से सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हमारा यहाँ जो 85 का जो लड़ाई था, 85 में अब समझ गया कि 85 में ही बहुजन समाज पार्टी। मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं गढ़वा दस्तक। इस वक्त मेरे साथ कैमरामैन दीपक जी जुड़ चुके हैं और अभी हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी विश्रामपुर विधानसभा 77 से जो कि राजन मेहता चुनाव लड़ रहे हैं, तो आइए इनके कार्यकर्ता लोग से जानते हैं कि मतलब क्या इस बार माहौल है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, क्या माहौल है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम राम प्यारे मेहता है, मेरा घर कांडी है। हम 2018 से रिटायर होकर के कांडी में रह रहे हैं और इसके बाद 2019 वाला चुनाव में राजन मेहता जी के साथ मेरा जुड़ाव हुआ है। अच्छा, आप 2019 से है, उस बार मतलब नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार क्या स्थिति लग रही है? इस बार हमें पूरा विश्वास और आशा है कि हमारे राजन मेहता जी विश्रामपुर विधानसभा से विजयी होंगे और विश्रामपुर विधानसभा का जो चहुंमुखी विकास है उसमें इनका योगदान रहेगा। अच्छा, पूर्व विधायक के मतलब कार्यकाल से आप लोग खुश हैं कि नहीं है? पूर्व विधायक से हम क्या, हमारी जो कंस्टिट्यूएंसी के जो जनता है नाराज है, उनसे कोई खुश नहीं है। और अच्छा, क्या खास बात है राजन मेहता को कि राजन मेहता में ही सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, राजन मेहता हमारा देश जो है संवैधानिक आधार पर चल रहा है और संविधान को राजन मेहता जी, बाबा साहेब, जितना भी ग्रंथ है उससे हमारा संविधान ऊपर है, तो हमारी लड़ाई संविधान के आधार पर है। संविधान बचेगा तो हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा बची रहेगी, अगर संविधान खत्म हो गया तो किसी भी जनता का मान सम्मान जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, राजन मेहता क्या मतलब विश्रामपुर का विकास कर पाएंगे, आपको उम्मीद है? हमको पूरा उम्मीद और विश्वास है कि राजन मेहता जी जनता की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। अगर नहीं खरा उतरेंगे तो एक रिकॉल होता है, संविधान में तो अभी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर जनता के अपेक्षा पर कोई भी नेता खड़ा नहीं उतरता है तो एक रिकॉल की व्यवस्था ईवीएम में भी होनी चाहिए। क्या विश्रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारी पूरी विश्रामपुर जनता से, मझियाओं और जो विश्रामपुर मिला करके कंस्टिट्यूएंसी बना है विधानसभा, पूरी जनता से उम्मीद है कि हमें अपना अमूल्य वोट दे करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको उचित जगह पर दे करके राजन मेहता जी को विजयी बनाने का प्रयत्न करें। आशा और विश्वास यही है मेरा पूरी जनता से। अब मैं यही जनता से अपील करता हूं कि राजन मेहता जी को इस बार विधायक बना करके अपनी अपेक्षा पर खरा उतरने का मौका दें। क्या कहना चाहेंगे चाचा राजन मेहता? आपका सवाल क्या है, मतलब क्या विश्रामपुर का विकास कर पाएंगे राजन मेहता? राजन मेहता वो जमीनी कर्ज करता है, कर्ज करता जो जो व्यक्ति अगर खलासी से ड्राइवर होता है और पकिया होता है, बिगड़ी हुई गाड़ी को रास्ते में भी बनाकर चलता है। राजन मेहता एक जुझारू और कर्मठ और छवि के, बहुत सुंदर छवि के व्यक्ति हैं। उनसे जनता का पूर्ण रूप में विश्वास है उन पर कि समुचित विकास करेंगे। अच्छा, विश्रामपुर में मतलब बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, तो मतलब राजन मेहता को क्यों सपोर्ट करें, क्या खास बात है उनमें? देखिए, हर जगह बाहुबल और धनबल है, लेकिन राजन मेहता के न पास न बाहुबल है न धनबल है, उनके पास जनबल है। अगर जनता, हम लोग चाहेंगे, विश्रामपुर की जनता चाह रही है कि उनको जितावें जनबल की अपेक्षा, इनके पास धनबल नहीं है, धन की बिल्कुल कमी है, और हम लोग चाह रहे हैं कि जनता को जागरूक करें कि अपना जनबल के द्वारा विश्रामपुर की जनता को, राजन मेहता को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनबल के द्वारा उनको जिताएं और विधानसभा भेजें। क्या उम्मीद है विश्रामपुर की जनता से? हम लोग विश्रामपुर की जनता से ये उम्मीद और अभिलाषा है कि अबर बार राजन मेहता बहुत कम वोट से अगला बार ठीक है, अब हम लोग उनको भारी बहुमत से विजयी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे विश्रामपुर की जनता को?
विश्रामपुर की जनता को यही हम लोग कहना चाहेंगे कि पिछले साल विश्रामपुर की जनता हम लोग के रनर के रूप में रख ले था, इस वर्ष पूर्ण बहुमत से विजयी बना के भेजने के लिए प्रयास कर रहा है जनता, रहेंगे भी, इसलिए रहेंगे कि यहाँ जनबल की लड़ाई है, धनबल और बाहुबली का लड़ाई नहीं है, इसलिए कि वो कोई भी कार्य में कोई मर गया उसमें भी आ जाते हैं और 5 साल से लगे हुए हैं अपना क्षेत्र में, इसी पर उनका हम सपोर्ट में लगे हुए हैं पूरे जनता। अच्छा, बहुत सारे मतलब प्रत्याशी लोग अपने जाति का वोट गिनवा रहे हैं, तो क्या आप भी जातिवाद से सपोर्ट करते हैं? नहीं, जातिवाद से सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हमारा यहाँ जो 85 का जो लड़ाई था, 85 में अब समझ गया कि 85 में ही बहुजन समाज पार्टी है, 85 में ही, जिस दिन अगर 85 समझ गया उस दिन 15 का कोई मतदान नहीं करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।